हेलो एवरीवन, देखिए फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फेरिकल शेल। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होलोस्फेरिकल शेल क्या होती है। देखो स्फेरिकल शेल है मतलब एक स्फीयर की शेप में होगी, जैसे एक फुटबॉल आप समझ सकते हो, ठीक है। और होलो है, होलो का मतलब कि अंदर से वो खाली होगी, जैसे फुटबॉल में ही अंदर से वो खाली होता है, वो बात अलग है, उसमें एयर होती है लेकिन कुछ वैसा तो नहीं होता। जैसे मैं इसको अगर कंपेयर करूँ एक लेदर की बॉल से, ठीक है, क्रिकेट में एक लेदर की बॉल होती है, ठीक है, लेदर की बॉल होलो नहीं होती है, वो एक सॉलिड स्फीयर होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है, समझ रहे हो। अब हवा तो नहीं होती उसके अंदर, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर हवा होती है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि कुछ वैसा कोई चीज़ सॉलिड नहीं भरी हुई है उसके अंदर, ठीक है ना। कैसा स्फीयर है, एक होलोस्फीयर है। कैसा है, होलोस्फीयर है, क्लियर। तो उसी के लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको ना ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये एक स्फेरिकल शेल है, क्लियर। अब ये 3D में है, ठीक है, यहाँ पर नहीं आपको समझ में आएगा, ये एक सर्कल लग रहा है लेकिन सर्कल है नहीं। कैसा है, ये स्फीयर है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, देखो, ठीक है, ये चार्ज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अब देखो इसमें तीन केसेस चलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, एक तो निकालनी है आउटसाइड द शेल, मतलब ये शेल के बाहर, एक ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और एक इनसाइड द शेल। तीन केस चलने हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, जो ये आपने स्फीयर ड्रॉ किया है, इसके बारे में क्या बात आप लिख सकते हो, लेट अ होलो चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस, कितनी रेडियस का बनाया ये हमने, मान लो ये रेडियस, मान लो आपने आर रेडियस का बनाया, ठीक है, ये ओ पॉइंट इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने, इसको मान लो क्यू, ये क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो लेट क्यू इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट, ये बात लिख सकते हो इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें केस वन आता है, जो केस फर्स्ट की बात करेंगे अगर हम, देखो केस फर्स्ट के अंदर जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल की बात करेंगे, तो लाइज आउटसाइड द शेल मतलब मान लो यहाँ पर ये पी पॉइंट है, मान लो, ठीक है, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। मान लो ये इसकी दूरी ये हो गई कैपिटल आर, ओपी कितना है, कैपिटल आर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो यानी कि मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, और इसमें बेस्ट गॉसियन सरफेस क्या रह सकती है, एक स्फीयर ही होगा, समझ रहे हो इतनी बात, तो एक स्फीयर ही होगा। और कितनी रेडियस का होगा, वो कैपिटल आर रेडियस का, तो हम एक स्फीयर बना देते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात को या नहीं, ठीक है। ये केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम लिखेंगे पॉइंट लाइज आउटसाइड द शेल, और इसमें देखो आपको साफ पता चल रहा है ये जो कैपिटल आर है ये ग्रेटर है इस स्मॉल आर से, क्लियर है इतनी बात या नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर इसके अंदर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो ये पूरा का पूरा टोटल सरफेस है ना स्फीयर का, हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सरफेस लेते हैं ये वाला, मान लो ये कितना हो गया सरफेस, ds हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी बाहर की तरफ, क्यों होगी बताओ। देखो प्लस चार्ज है, प्लस से आउटवर्ड होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका, बाहर की तरफ होगा इस तरीके से, ठीक है। और एक आता है आपके पास एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर क्या होता है, एन कैप, क्या होता था वो एरिया वेक्टर बताओ, एन कैप होता था, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसमें, देखो अगर ये एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल के आउटसाइड मतलब जो एन वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है, वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो वो भी ऑब्वियसली बात है ऐसे ही होगा परपेंडिकुलर, या नहीं ऐसे ही होगा ना, ऐसे बाहर की तरफ ही इस स्फीयर से, तो हम लिख सकते हैं कि वो भी कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा एन कैप। ये बात समझ में आई है। आप देखो स्फीयर लो एक, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बाहर की तरफ ही बनेगा, कहीं भी लगा दो आप चाहे, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, मैंने वहीं पर ही देखा कि वहाँ पर भी कैसा आ रहा है, वो उसी की डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं, हो तो वो कहीं भी सकता है, यहाँ 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 ऐसे परपेंडिकुलर तो सारे में हो सकता है ये आउटवर्ड के लिए या नहीं, लेकिन मुझे ये देखना है ना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिया है, वहीं पर ही लेंगे, उसी के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि समझ रहे हो या नहीं, क्लियर, ओके हो रही है ये बात। अगर नहीं क्लियर हो रही है ये बात थोड़ी सी, तो पिछली एप्लीकेशन जरा ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, सरफेस के साथ, और आउटवर्ड, ये देखो आउटवर्ड बाहर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये वाला पोर्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्फीयर का, तो वहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे ही होगा बाहर की तरफ, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, ये जो ई है और एरिया वेक्टर, जैसे हम लिखते हैं ना ई डॉट डी एस ऐसे कोस थीटा ऐसा लिखते हैं, तो ये थीटा किसके बीच में होता है, ई और डी एस के बीच में, लेकिन डी एस क्या देखते हैं हम यहाँ, एन कैप वाला, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन।
तो ई और डी एस, या मैं कहूँ ई और एन में, कितना थीटा है यहाँ पर? जीरो। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों ही, तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ओके हो रही है इतनी बात या नहीं? बस इतनी बात अगर क्लियर हो रही है फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नेट फ्लक्स जो होती है आपके पास, नेट फ्लक्स वो किसके इक्वल होती है बताओ? है फॉर्मूला याद या नहीं? फाइव इक्वल टू में इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, याद है कुछ या नहीं? देखो या तो मैं इसको लिख दूं ऐसे, फाई इक्वल टू में क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वैक्टर, क्लियर। और इसको ओपन करके जब लिखते हैं हम तो कैसे लिखते हैं? ई डी एस कोस थीटा, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या बनता है? कोस थीटा बनता है, ठीक है। और थीटा कितना है? अभी अभी हमने देखा 0 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं? ई डी एस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ई डॉट डी एस आ जाएगा, डॉट मतलब ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर अब, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो इधर ही था सिंपल। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ? ई डी एस, अब ई बाहर चला जाएगा और क्लोज इंटीग्रल आ गया सिर्फ डी एस का, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? फाई इज इक्वल टू में ई डॉट डी एस वैक्टर, यही सब चल रहा था साथ में, ठीक है। अब देखो एक बात, ये जो सरफेस आया है, ठीक है, इसका इंटीग्रल हमें पता है टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यही है। मतलब अगर ये छोटा सरफेस था तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पूरा एरिया, टोटल एरिया। तो चाहे तो यहाँ ए लिख दें, ठीक है, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए स्फीयर के अंदर एरिया की वैल्यू क्या होती है। डी एस एरिया क्या होता है? इंटीग्रल, बताओ। टोटल एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 4πr², यही होता है फॉर्मूला या नहीं? देख लेना अपना मैथमेटिक्स वगैरह में, आप लोगों ने 10th वगैरह में भी कर रखा है ये सब, ठीक है। 4πr² होता है, क्लियर। अब ये वैल्यू जो है, या तो मैंने कहा कि ए लिख दो इसको, ठीक है, तब भी आ जाएगा आंसर। तो लेकिन आपको इस फॉर्मूले से भी करना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? ई इंटू में ये क्या आ जाएगा? डी एस का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? अब ये टोटल एरिया 4πr², बात आ रही है समझ में। और ये एरिया ए के इक्वल भी मैं लिख सकता था, क्लियर। और ये किसकी वैल्यू आ गई? ई डॉट डी एस की, बताओ ये समझ में आया नहीं? इसको मान लो फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू गॉज लॉ, गॉज लॉ क्या होता है अकॉर्डिंग टू बताओ? यूजिंग गॉज लॉ या गॉज थ्योरम, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। क्या होता है बताओ? फाई इज इक्वल टू या फिर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वैक्टर किसके इक्वल होता है? ये क्यू बाय बताओ एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। चार्ज कितना टाइम्स होता है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, ये इक्वल होता है, क्लियर। और ये रही सेकेंड इक्वेशन। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हम इक्वेट कर सकते हैं इनको? देखो यहाँ से इक्वेट करके क्या आ जाएगा? ई फोर पाई। अब देखो यहाँ पर ये जो आर मैंने लिखा, ये स्मॉल आर लिखा, लेकिन यहाँ पर ये स्मॉल आर की जगह क्या आएगा? कैपिटल आर आएगा, क्योंकि हमने जो रेडियस ली है, ये जो दूरी है ये कितनी है? कैपिटल आर है। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ कैपिटल आर में, क्लियर इतनी बात। और यहाँ भी ये कैपिटल आर आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना ये चीज़ क्यों ऐसे किया, ठीक है। और इज इक्वल टू में ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर या नहीं बताओ? ठीक है। अब देखो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? क्यू अपॉन में 4πr एप्सिलॉन नॉट या नहीं? क्या ये सेम वैल्यू ऐसी आ रही है जैसे दो चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे? याद करो पॉइंट चार्जेस में क्यू अपॉन में 4πε0, और ये आर स्क्वेयर है यहाँ, और ये भी आर स्क्वेयर। क्या यही फॉर्मूला होता था? इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूँ ऐसे, क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वेयर, देखो ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने पहले भी किया है, ठीक है। और बनना ही था ये, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था यहाँ, और ये पॉइंट पी के लिए अगर हम कहेंगे, पॉइंट पी के लिए तो इतना इफेक्टिव होगा या नहीं ये वाले चार्जेस के लिए, समझ रहे हो या नहीं? तो ये जो वैल्यू आई है आपके पास, ये सेम वैल्यू आ गई जो पहले की थी हमने, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रखी थी 4πr². अब देखो जरा, अगर मैं इसको a रखूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 4πr² की जगह क्या रखूँ? a। तो देखो क्या आएगा? e इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में 4πr² को क्या रख रहे हैं? a, और एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, समझ रहे हो ये चीज़? यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया को, मैंने क्या लिखा है? 4πr², कोई दिक्कत या नहीं बताओ? ठीक है। और ये यहाँ भी आप कर सकते हो, इसको कैपिटल आर ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है इतनी बात या नहीं? ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर ये मैंने यहाँ पुट कर दिया 4πr² को a, तो ये q बाय a, याद करो क्या होता था? q बाय a सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? q बाय a, ये बात समझ रहे हो या नहीं? तो यानी कि जो e की वैल्यू है वो यहाँ से क्या जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ये भी एक फॉर्मूला बन गया, और एक ये भी बन गया यहाँ से।
ये तो आपको पता ही था पहले भी, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, कई बच्चे कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि यहाँ भी यही फार्मूला आ गया, ठीक है, और वहाँ तो पॉइंट चार्जेस के लिए बात हो रही थी, यही है वो बात, सही है। मैं भी तो यहाँ एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात कर रहा हूँ यहाँ भी मैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आंसर आया वही यहाँ पर आंसर आ रहा है या नहीं, समझ रहे हो या नहीं, क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं? ठीक है, अब देखो अगर आपको ये केस फर्स्ट समझ में आ गया तो आप केस सेकंड बड़े आराम से कर सकते हो इसका। देखो केस सेकंड में क्या होगा, देखो सेम ही बनने वाला है डायग्राम भी, ठीक है, सेम डेरिवेशन होगी, कुछ भी चेंज इतना ज़्यादा होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। देखो मैं इसमें यहाँ लिखता हूँ, देखो अगर इसमें हम केस सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, केस सेकंड में क्या होगा, मैंने आपको बताया था ऑन द सरफेस ऑफ द शेल की बात करेंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल की अगर बात कर रहे हैं तो सेम है, आप एक स्फीयर बनाओगे पहले तो, ठीक है, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और ये कितनी रेडियस का था, स्मॉल आर रेडियस का था, यही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये सरफेस क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि चार्ज पर पड़ा हुआ है, और आपको जो पी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, पी पॉइंट लाई कर रहा है इस सरफेस के ऊपर ही, समझ रहे हो, तो इस पर अगर लाई कर रहा है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, अगर क्लोज करना पड़ेगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही रेडियस का आएगा जितने की पहले आर थी, समझ रहे हो, मतलब यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको ये कर रहा हूँ कि ये इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, ये सारा चार्ज क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ये छोटा छोटा चार्ज बनाता इसके अंदर आ जाता, ठीक है, ये मैंने कहा ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया कि जो भी सरफेस पे चार्ज पड़ा है वो सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है, वो बाई चांस इसमें मैंने ये बड़े बड़े चार्ज बना दिए थे इसलिए नहीं आ पा रहे, नहीं तो आप क्या करते, थोड़े छोटे छोटे चार्ज बनाते हो और इसमें ये अंदर जाते हो, और अप्रॉक्सीमेट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये रेडियस सेम रखनी है, ठीक है, ये जो पहले हम कैपिटल आर ले रहे थे अब भी कैपिटल आर ले रहे हैं, लेकिन ये वाला जो आर है अब इस स्मॉल आर के इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो आर है वो स्मॉल आर के इक्वल है, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, आर जो है वो स्मॉल आर के इक्वल है, और मैंने सारा चार्ज जो था वो भी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो सेम है डेरिवेशन में, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही होने वाला है। तो हम यहाँ इसमें क्या लिखेंगे, देखो नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या होगी, फाई ई डॉट डी एस, अब देखो ये किस में ओपन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी एस कोस थीटा, देखो इस पी पॉइंट पे यहाँ भी अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि प्लस चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है तो आउटवर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर भी कैसा होगा सरफेस पे, बाहर की तरफ ही होगा इसमें एन कैप, तो यहाँ ई है और ये जो स्मॉल एरिया, इसमें मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके से, ये जो गॉसियन सरफेस ली थी मैंने इसके ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर थी, ठीक है, ये क्या थी डी एस स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया डी एस, तो ई और डी एस के बीच में जो थीटा है वो यहाँ कितना है, जीरो डिग्री है, बात समझ पा रहे हो आप या नहीं, बताओ अगर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो ना यहाँ भी तो डी एस लूँगा ना मैं, जैसे यहाँ पर लिया था मैंने ये डी एस लिया था, यहाँ पर भी तो एक डी एस लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, और एरिया वेक्टर कैसा होगा इसमें भी, आउटवर्ड होगा सरफेस से क्योंकि ये भी तो स्फीयर ही है, और एक गॉसियन सरफेस हमने जो बनाई थी वो भी स्फीयर ही थी, क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो बस थीटा जीरो है, अगर थीटा जीरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी एस आ जाएगा क्योंकि थीटा कितना हो गया जीरो, तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ई डी एस आ गया आपके पास, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो इसमें इंटीग्रल में ई इधर आ जाएगा और ये डी एस हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ डी एस बताओ जरा क्या होता है, टोटल एरिया, और इसमें टोटल एरिया क्या होगा स्फीयर का, वही 4πr², लेकिन इसमें रेडियस कितनी ले लेंगे, अब हम स्मॉल आर ले लेंगे क्योंकि आर इक्वल टू कितना है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, तो अब हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू में, यहाँ बस क्या आ जाएगा, ये कैपिटल आर की जगह अब स्मॉल आर आ जाएगा, और इधर ये ई डॉट डी एस वेक्टर, ये क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, सेम कर रहा है, बताओ मैंने कुछ चेंज किया है, देख लो इधर जो इधर है वही कर रहा हूँ इधर भी, समझ पा रहे हो या नहीं, अब क्या करें इसमें बताओ, यूजिंग गॉज लो, गॉज लो के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये क्या होता है बताओ, ई डॉट डी एस जल्दी से बताओ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या इक्वेट कर सकते हैं हम इन दोनों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ई 4πr² इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्यू बाय 4π एप्सिलॉन नॉट पहले रख दूँ और ये r² इधर रख देता हूँ, देखो ठीक है, एक तो ये आ गया फॉर्मूला, ये पहले भी हमने बनाए हैं इस तरह के फॉर्मूले, ठीक है, और वही बात है, अब
जैसे यहाँ हमने इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या था, 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डीएस क्या था, 4 पाई आर स्क्वेयर, इसको मैं क्या लिख दूँ, ए, ठीक है, तो यहाँ भी ए मैं पुट कर सकता हूँ, तो ई इक्वल टू मैं क्यू 4 पाई आर स्क्वेयर को ए एप्सिलॉन नॉट, तो अगेन इसमें क्या आ जाएगा, ये क्यू बाई ए कितना बन जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और सिग्मा क्या होता है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है क्यू बाई ए। तो यहाँ से भी दो फॉर्मूले आपके पास बिल्कुल सेम था, जो इसमें था वो इसमें था, ठीक है, सिर्फ सिर्फ क्या हुआ फ़र्क, बस कैपिटल आर की जगह इसमें क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया, कोई भी इतनी इसमें परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए केस सेकंड में, ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब केस थर्ड देखते हैं इसका, केस थर्ड क्या कहता है, देखो केस थर्ड में क्या बोला था हमने, इनसाइड द शेल, ठीक है, तो हम लिखेंगे पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल के लिए देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, इसमें भी मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसमें चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और ये कितनी रेडियस का है, ये है रेडियस स्मॉल आर और ये रहा ओ, ठीक है। अब इसमें जो पी पॉइंट लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, इनसाइड द शेल, मान लो ये पी पॉइंट, मैंने ये मान लिया पी पॉइंट, ठीक है जी, तो इस पी पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊँगा इस तरीके से, और ये हो गया इसका स्मॉल एरिया। लेकिन इसमें एक बात देखो आप ज़रा, ठीक है, स्मॉल एरिया डी एस हो गया इसमें, क्या इसमें चार्ज क्लोज्ड हुआ, नहीं हुआ, और इसकी रेडियस मैंने मान ली कितनी है, कैपिटल आर, क्या इसमें चार्ज क्लोज हुआ, कहीं कहीं भी नहीं हुआ, चार्ज तो आया ही नहीं, तो चार्ज नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन लूँगा, कुछ होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, आ रही है कहानी समझ में या नहीं। तो इसका मतलब जब चार्ज जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसमें कोई इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि चार्ज क्या है, जीरो, अगर चार्ज जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इतनी कहानी समझ में आ रही है। तो देखो जरा, अगर मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठाऊँ, जो भी हम ये इक्वेट करते थे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन किसी भी तरीके से करके आएगा तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, देखो कैसे, ई 4 पाई और आर, इसमें ये कैपिटल वाला ले लेते हैं, चलो आर स्केयर इज इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इन दिस क्या हो रहा है यहाँ पर बताओ, चार्ज ही जीरो है, कोई चार्ज आया ही नहीं इन साइड में, तो अगर चार्ज जीरो है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही होगा, और 4 पाई आर के नीचे आएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यानी कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी जीरो, होलो की बात कर रहे हैं हम, ये होलो जो है स्फेरिकल शेल है उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो इतनी कहानी। और जब हम ये कहते हैं कि इनसाइड द होलो स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड कर दिया, अगर अंदर कोई चीज़ है तो वो क्या है, प्रोटेक्टेड है बाहर वाले चार्ज से, बात समझ रहे हो या नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्लियर। या इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं फैराडे केज, तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे एक लाइन लिख कर क्या लिख सकते हो कि फ्रॉम हियर वी कंक्लूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और फैराडे केज, क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और फैराडे केज। फैराडे केज क्यों, केज मतलब पिंजरा टाइप, देखो ये पिंजरा टाइप ही हो गया, अगर अंदर कोई चीज़ है वो प्रोटेक्टेड है बिल्कुल ही, ठीक है, तो अगर हमें प्रोटेक्ट करना है किसी चीज़ को तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, उसको अंदर रख दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, मतलब कोई चीज़ मान लो ऐसी है कि जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो किसी भी बाहरी चार्ज से, तो आप क्या करोगे, उसे किसी होलो चीज़ में रखोगे, तो मान लो बाहर से कोई चार्ज आया भी तो आपकी जो अंदर चीज़ रखी है उसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो चार्ज कहाँ रहेगा, बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर तो जा ही नहीं सकता, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन क्या बनती है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन बन गई, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग, आइसोलेट मतलब अलग थलग करना किसी चीज़ को, अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड, बाहरी किसी फील्ड से हमने उसको क्या किया, अलग कर दिया किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसके भी बहुत से यूजेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उनको इसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला, एक फैराडे केज बोला, ठीक है। अब देखो जो भी हमने अभी ये एप्लीकेशन की है, ठीक है, इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो रेडियस आर के बीच में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, मान लो ये ई मैक्स का है, ठीक है, और ये है डिस्टेंस
जो कि हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, देखो हमने तीन केस किए, तो तीन केस यहाँ कैसे बनाएंगे हम। देखो एक तो था ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो कैपिटल आर था वो इक्वल टू आर था, है ना, यही था। और जो ये वाला रीजन होगा इसको मैं मान लेता हूँ कि जिसमें आर जो था वो था लेस आर से, ठीक है, यानी कि ये थर्ड पार्ट है जिसमें क्या था, हमने अंदर इनसाइड द शेल के लिए बात करी थी, तो वहाँ आर छोटा था ये वाला, इस वाले आर से। और एक हमने किया था जिसमें आर बड़ा था स्मॉल आर से, ये केस था आउटसाइड द शेल वाला, ठीक है। अब देखो इनसाइड के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो, तो यहाँ तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, क्लियर इतनी बात। लेकिन जब हम ऑन द सरफेस ऑफ द शेल पे आए तो ऑब्वियसली बात है सरफेस ऑफ द शेल पे क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहने वाला है, तो इसका ग्राफ सडनली ऐसे बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आर इक्वल टू आर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ई मैक्स, क्लियर, ई मैक्स मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली बात है देखो ये एक स्फीयर था, ये चार्ज पड़ा है यहाँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, चार्जेस के पास ही होगा सबसे ज़्यादा, और ये तो सरफेस पे पड़ा है पी पॉइंट, तो चार्ज भी यहीं पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे अब आप दूर जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता रहेगा, है ना, पावर क्या होगी उसकी, कम होती रहेगी, क्योंकि जितना जितना दूर जाओगे आप चार्जेस से ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात या नहीं। तो आउटसाइड द शेल की जब हम बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा दूरी बनेगी उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा, ठीक है। और वो हमें यहाँ से भी पता चलता है ई के फॉर्मूले में, ई इक्वल टू में क्या आया था वो हमारे पास, क्यू अपॉन में 4π ε0 आर स्क्वेयर, तो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है, आर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो। तो ये कैसे जाएगी लाइन, ये इस तरीके से ये लाइन जाएगी, मतलब इधर क्या हो रहा है देखो, आर बढ़ता जा रहा है, ये कैपिटल आर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट पर आके जीरो भी हो जाएगा, समझ रहे हो या नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्लियर। ये ग्राफ समझ में आया कैसे बनाया है हमने, ये कौन सा केस था, इनसाइड द शेल, ये ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, और ये आउटसाइड द शेल, क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप इस बात को, ठीक है, ओके, थैंक यू।